क्या महज अफवाह है 2000 के नोट के बंद होने की खबरें, या एक बार फिर आरबीआई ला सकता है नोटबंदी? क्यों नहीं निकल रहे एटीएम से 2000 के नोट? क्यों हटाए जा रहे हैं एटीएम से 2000 के नोट के स्लॉट? खबरों के बाजार में 2000 के नोट के बंद होने की खबरें दिवाली की मिठाइयों की तरह बेची जा रही हैं। पढ़ने वाले इसे पढ़ भी रहे हैं और व्हाट्सएप फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर महज एक अफवाह से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जी हाँ, 2000 के नोट के बाजार से कम करने या उन्हें खत्म करने जैसी कोई भी खबर अभी आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। इस अफवाहों का खंडन खुद आरबीआई ने किया है। आपको बता दें कि 2000 के नोट के स्लॉट एटीएम से हटाए जाने के बाद अब ये कयास लगाए जाने लग गए थे कि ये नोट अब जल्द ही बाजारों से हटा लिए जाएंगे। मगर आपको बता दें कि 2000 के नोट के स्लॉट एटीएम से हटाए जाने के पीछे कारण 500 और 100 जैसे छोटे नोटों की संख्या को बढ़ाना है, जिससे एटीएम में पैसों की कमी से आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। छोटे शहरों में जहां 500 और 100 जैसे छोटे नोटों की खपत अधिक है, वहां के एटीएम के 2000 के नोट के स्लॉट को 500 और 100 से बदल दिया गया है। हाल के सप्ताह में 2000 रुपए के नोटों की बाजारों में खासी कमी देखी गई है, जो कि जमाखोरी के कई लक्षणों में से एक है। नगद, विशेष रूप से काले धन 2000 रुपए के नोटों में जमा करना आसान है, क्योंकि छोटी रकम के नोटों को अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। इन्हीं कारणों को देखते हुए आरबीआई ने अब छोटे नोटों की छपाई और बाजारों में इसके सर्कुलेशन को जरूरत के अनुसार बढ़ाने का निर्णय लिया है। जर्नल डेस्क, राजसत्ता एक्सप्रेस।